पाकिस्तानी बॉलिंग ने फिर निकाला इंग्लैंड का दम, लाहौर में भी करीबी जीत। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे मैच में ज्यादा बड़ा स्कोर न बनाने के बावजूद इंग्लैंड को इसे हासिल नहीं करने दिया और सीरीज में बढ़त बना ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हो रही T20 सीरीज मैच दर मैच रोमांच नतीजे पेश करती जा रही है। कराची में खेले गए सीरीज के पहले 4 मैचों में बेहद करीबी मुकाबले के बाद लाहौर में भी ये सिलसिला जारी रहा। लाहौर में खेले गए सीरीज के 5वें मैच में छोटे स्कोर के बावजूद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। अपनी मजबूत गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने लगातार दूसरे मैच में इंग्लैंड को लक्ष्य हासिल करने से रोक दिया और सीरीज में 3-2 की बढ़त बना ली। 8 मैचों की सीरीज के पहले 4 मैच कराची में होने के बाद आखिरी 3 मैचों के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंची थी। गद्दाफी स्टेडियम में बुधवार 28 सितंबर को पहला मैच सीरीज का 5वां मैच खेला गया और जिसमें सिर्फ 145 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाजों की लाइन अप पाकिस्तान के पेस और स्पिन के बेहतरीन संयोजन के सामने पूरी ताकत नहीं दिखा सकी। एलेक्स हेल्स, फिल साल्ट, बेन डकेट और हैरी ब्रुक जैसे बल्लेबाज को योगदान नहीं दे सके, जबकि पूर्व विश्व नंबर 1 डेविड मलान ने कुछ देर टिक्कर पारी को संभालने का प्रयास किया। इफ्तिखार अहमद 16-1, शादाब खान 25-1 और मोहम्मद नवाज 9-1 की स्पिन तिकड़ी ने किफायत के साथ विकेट भी झटके, जबकि हारिस रऊफ 41-2 ने फिर अहम मौके पर सफलता हासिल की। इंग्लैंड की ओर से कप्तान मोइन अली 51 नवाज ने अंत तक अकेले संघर्ष किया और एक जुझारू अर्धशतक जमाया। उन्हें क्रिस बॉक्स और सेम करन का साथ मिला, लेकिन ये नाकाफी थी। इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी और अपना डेब्यू कर रहे ऑलराउंडर आमिर जमाल 13-1 ने एक छक्का खाने के बावजूद सिर्फ 8 रन देकर टीम को जीत के साथ सीरीज में बढ़त दिलाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और एक मैच के ब्रेक के बाद टीम में लौटे तूफानी तेज गेंदबाज मार्क वुड भी 3 ने पाकिस्तानी टीम की धज्जियां उड़ा दी। वुड की लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा के दायरे में की जा रही गेंदबाजी में रफ्तार के साथ ही परेशान करने वाला उछाल भी था, जिसका सामना करना पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम सहित अन्य बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओनली सच को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वह आपको समय से मिल सके। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।